लास्ट टाइम वी आर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी आर स्टॉप अप टू स्मॉल इंटस्टाइन वी डिड लेट अस मूव फर्दर द स्मॉल इंटस्टाइन इज़ हाईली क्वाल्ट एंड इज़ अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स स्ट्रॉन्ग लास्ट टाइम हमको क्वेश्चन पूछा था कि कितना लॉन्ग होता है इट इज़ सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग आपके स्टमक के अंदर इतना सारा लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इट रिसीव्स सीक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज उसके अंदर लीवर और पैनक्रियाज के अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं लीवर में से बाइल सॉल्ट्स आते हैं बाइल जूसेस आते हैं पैनक्रियाज में से इंसुलिन हार्मोन जनरेट होता है जो आपका शुगर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रीट जूसेस इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स भी जूसेस को सीक्रीट करते हैं द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एपडोम ऑन द राइट साइड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी प्लीज़ रिमेंबर दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट सिक्रीट सबसे बड़ा ग्लैंड है ये बॉडी का इट सिक्रीट बाइल जूस बाइल जूस होता है उसके अंदर दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड अल ब्लैडर उसके ही साथ में गोल ब्लैडर अटैच होता है ऐसा लीवर होता है बंदूक के शेप का होता है वो और उसके नीचे छोटा सा ऐसे सैक uh, जैसा होता है विच इज़ कॉल्ड अ गॉल ब्लैडर विच कलेक्ट्स ऑल द बाइल सॉल्ट इन एट द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डायजेशन ऑफ फैट्स राइट बाइल हेल्प्स यूथ इन डाइजेशन ऑफ फैट्स

द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाव रीच इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है वहाँ जाता है वेर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंस ऑफ द फूड राइट सारा डायजेशन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इं टू सिंपल शुगर्स सच एज़ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्टार्च जिसको ब्रोक ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर शुगर्स में विच इज़ ग्लूकोज फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फैट्स को किस में ब्रेकडाउन करता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में एंड प्रोटीन्स इंटू अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स मैंने समझाया आप लोग को कि प्रोटीन का जो छोटा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड Uh, uh, बड़े बड़े शुगर्स का जो छोटा मॉलिक्यूल uh, होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज राइट सो ऐसे ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद एब्सॉप्शन शुरू होता है ये पूरा फूड ब्रेकडाउन हो गया अब उसका एब्सॉप्शन जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकले हैं ब्रेकडाउन के बाद उसका एब्सॉप्शन शुरू होगा दैट इज़ कॉल्ड असीम्यशन ओके नाउ अस रीड दिस ब्लू पार्ट नोट

He made some wonderful observations. Beaumont found that the stomach was churning the food. Churning atail hai haired. Food stomach mein churn hota hai. Pista hai. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine. Only after the digestion of the food inside the stomach is completed. Right? द एंड ओपन्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है और फिर यहाँ से डाइजेस्ट किया हुआ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है सो दिस वॉज एक्सीडेंटली इन्वेंटेड बाई दिस डॉक्टर विलियम ब्लू मोन्ट ब्लूमोंट नाउ लेट रीड फर्दर एब्सॉप्शन एब्सॉप्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अप्सॉप्शन राइट जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है इंटेस्टाइन के दिस इज़ कॉल्ड एप्सॉप्शन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ्स ऐसे ऐसे जैसे ये वॉल है इंटेस्टाइन की इसके अंदर ऐसे 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 ऐसे, 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 ऐसे उंगली जैसे काफ़ी सारे ग्रोथ्स होते हैं दे आर कॉल्ड विलाए वॉट आर दे कॉल्ड विलाय दीज आर कॉल्ड विलाय सिंगुलर इज़ विलस एक सिंगल होता है तो विलस बोलते हैं काफ़ी सारे हैं तो विलाय बोलते हैं कैन यू गैस वॉट द रोल ऑफ विलाय कुड बी इन द इंटेस्टाइन एक्चुअली क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जितना मुड़ा हुआ होगा उतना उसको सरफेस ज़्यादा मिलेगा एप्सऑप्शन के लिए तो सबसे ज़्यादा एब्सॉप्शन होता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दैट इज वाई दिस विलाय आर सो मच कॉइल्ड ऐसे मुड़े हुए होते हैं अंदर द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्सॉप्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स राइट वो सर्फेस बढ़ाने के लिए उसको इतना कॉइल करके ऐसा रखा गया है अंदर द एब्सॉप्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्पलेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी राइट अब ये जो है एब्सॉपशन होकर के यहाँ से एनर्जी बनता है और बाकी सारे पार्ट्स को बॉडी के सप्लाई होता है दिस इज कॉल्ड असीमुलेशन वॉट इज इट कॉल्ड असीम्यूलेशन ऑफ फूड फूड का हमने अंदर लिया डाइजेस्ट किया डाइजेशन होकर के एब्सॉप्शन हुआ और एब्सॉप्शन होने के बाद असिमिलेशन हो रहा है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको पहुँचाया जा रहा है इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब एंटर्स इन टू द large intestine large intestine is the last part of the digestive system right जो undigested food small intestine में रह जाता है वो आगे pass on होता है large intestine में now let us read about large intestine large the large intestine is a wider and shorter than small intestine छोटा होता है वो इतना लंबा नहीं होता है सात साढ़े सात मीटर का लंबा नहीं होता है वो छोटा होता है और थोड़ा वाइड होता है बड़ा होता है ये पतली ट्यूब जैसा होता है वेराज वो थोड़ा मोटा होता है इट इज़ अबाउट वन पॉइंट फाइव मीटर इन लेंथ इट्स फंक्शन इज टू एबसॉर्ब वाटर अब वाटर एब्सॉब्शन लास्ट में होता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड सम सॉल्ट फ्राम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे पास ऑन होता है उसके अंदर से वाटर को एब्सॉर्ब करना ये ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है द रिमेनिंग वेस्ट मै वेस्ट पासिस इन टू द रेक्टम रेक्टम यानी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस सेमी सॉलिड फीसिस मतलब फीकल मैटर जो आप एक्सक्रीट करते हो बाद में वो वैसा बन के रहता है द फीकल मैटर इज़ देन रिमूव थ्रू द एनस एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ कॉल्ड इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो आपकी बॉडी में से बाहर फेंक निकलता है दैट इज़ कॉल्ड

आपने देखा होगा कि ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली अपना फूड च्यू करते रहते हैं जबकि वो खा नहीं रहे होते जब वो खाते हैं तब तो चू करते ही है पर बाद में भी वो बैठे बैठे जहाँ पर भी बैठे होते हैं हमेशा उनका मुँह चल रहा होता है राइट एक्चुअली दे आर दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड र्यूमैन उनका स्टमक है ना दो चेंबर वाला होता है उसमें से एक चैम्बर को रूमैन बोलते हैं और रूमैन में उनका ये फूड एकदम से जैसे उनको फूड दिखता है ना वो फटाक से खा लेते हैं और वो उनका फूड इधर रूमैन में चला जाता है फिर जब उनको फुर्सत मिलती है या खा ये खा नहीं रहे होते तब ये रूमैन में से वो फूड को वापस अपने मुँह में ला करके उसको चबाते रहते हैं राइट दैट इज़ कॉल्ड द चूइंग ऑफ़ कर्ड वॉट इज इट कॉल्ड चूइंग ऑफ़ कर्ड वो जो अनडाइजेस्टिड फूड होता है उसको कड़ बोलते हैं या फर्दर हियर द फूड गेट्स

द ग्रास इज रिच इन्यू सेल्यूलॉज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमैन रूमैन मतलब जो उनका वो चैम्बर है फूड स्टमक का चैम्बर है देखो यहाँ से सीधा वो उधर चला जाता है फिर जब उनको ये होता है तो वो वापस मुँह में ला के उसको चबा तेरते हैं फिर वो उनके स्टमक में जाता है राइट सो बैक्टेरिया प्रेजेंट इन द रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलॉज सेल्यूलॉज ऐसा है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट राइट बट ओनली एनिमल्स कैन डाइजेस्ट इट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलॉजी राइट ओनली दीज कर्ड च्यूइंग ऑफ कर्ड जो एनिमल्स करते हैं वो लोग ही डाइजेस्ट कर सकते हैं एनिमल्स लाइक हॉर्सेज रेबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केस Cecum, it is called cecum between the esophagus and the small intestine. Animals like horses underline this, it is an important point. Write down in your notebook. It is called cecum. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. Right, their digestion of food occurs by the action of certain bacteria which is not present in humans. So far.

तो अभी वो थी uh, हमारा ये जो ब्लू कलर का नोट था वो बाकी था लेट अस रीड दैट अबाउट डायरिया इट इज गिवन समाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटर इज टूल फ्रीक्वेंटली वाटर इज टूल होता है आपको दैट इज कॉल्ड डायरिया दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया राइट लूज मोशन आपको हो जाते हैं इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन इट इज़ इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फेटल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी जान भी जा सकती है उसमें दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वॉटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी डायरिया शुड नॉट बी निग्लेक्टेड इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वॉटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट दिस इज कॉल्ड ओ ओवरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन दैट इज ओ आर एस वो तो आपको मालूम होगा ओ आर एस का सोल्यूशन देते हैं ये शुगर और सॉल्ट डाल के ओ आर एस के पाउच भी रेडी मिलते हैं मेडिकल स्टोर्स में जब भी आपको लूज़ मोशंस हो जाते हैं तो तब ये ओ आर एस के जो पैकेट्स है या या नॉर्मल शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन लेने से आपको राहत लगती है बिकॉज़ ज़्यादा वाटर लॉस आपकी बॉडी में से हो जाता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो डी तो रिहाइड्रेट करने के लिए ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है ओके ना फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा एंड ऑल यूनिसेर ऑर्गेनिजम्स दैट वी विल डू नेक्स्ट टाइम वी स्टॉप हियर टुडे राइट ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव अंडर मेक यू अंडरलाइन एंड आई विल कीप शेयरिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वुक ऑफ़ द फर्स्ट लेसन अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन तो उसको भी आप साथ साथ में कंप्लीट करते जाना फिर ये लेसन कंप्लीट करेंगे तो उसके भी आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर सो दैट यू कॉपी इट डाउन इन योर वर्क बुक एंड कम्प्लीट इट ओके वी स्टॉप हियर ना